हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ML अग्रवाल चैप्टर नंबर 5 जो है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम समझेंगे कि जो मतलब दिया है, मतलब जो चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हम ब्रेक करके समझेंगे कि ये होता क्या है। पहले आप इसको लिख लीजिए, साइमल्टेनियस लीनियर और इक्वेशन। पहले इन तीनों का अलग अलग मतलब समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पूछा क्या गया है, दिया क्या है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, किसी भी काम को अगर एक साथ किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली उस चीज पर वर्क कर रहे हैं या साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है डिग्री या डिग्री कह लीजिए या पावर वेरिएबल की, डिग्री या पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, यहाँ से मतलब है, इक्वेशन का मतलब होता है कि जब भी आपका ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर प्लस वेरिएबल मिल जाए, इस बात को बढ़िया समझिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, जब भी हम किसी काम को एक साथ करेंगे, जब भी हम मतलब एक से ज़्यादा काम करेंगे तो हम कहेंगे कि हम साइमल्टेनियस वर्क कर रहे हैं। डिग्री का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की डिग्री या पावर कितनी हो, 1 हो, सॉरी। लीनियर का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की डिग्री या पावर कितनी हो, 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है कि जिस भी कहीं पे भी अगर हम ऑपरेंड ऑपरेटर और वेरिएबल को मिला के कोई एक चीज़ बना दें तो उसको कहते हैं हम इक्वेशन। अब ये ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ज़रा मैं इस बात को भी समझाऊंगा आपको। ऑपरेंड कहते हैं सीधे सीधे किसी कांस्टेंट को या किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7, ओके, अच्छा। ऑपरेटर जो है वो आपका मैथमेटिकल साइन होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड एंड सो ऑन, ये आपका ऑपरेंड का एग्जांपल हो गया, प्लस ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया। वेरिएबल जो होता है वो होता है आपकी अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी अल्फाबेट है सब वेरिएबल में आ जाएंगे। तो हमने एक्स एक वेरिएबल मान लिया, इज इक्वल टू कर दिया 10, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ ऑपरेंड ऑपरेटर और वेरिएबल को जो यहाँ पे ग्रुप है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए 7 आपका क्या है, ऑपरेंड है या कांस्टेंट है या न्यूमरल है, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर है। एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है। डबल इक्वल टू क्या है, ये भी आपका ऑपरेटर है। 10 क्या है, आपका ऑपरेंड है या कांस्टेंट कहिए या न्यूमरल कहिए। अच्छा, इक्वेशन का पूरा मतलब समझ गए आप, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का यहाँ पे मतलब लिखा है जहाँ पर भी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। मतलब आपका इक्वेशन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर कब होगा, जब आपकी वेरिएबल की पावर 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल बताया है, इसमें एक्स की पावर कुछ नहीं लिखी है। कुछ नहीं लिखी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, ये अंडरस्टूड सी बात है। एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये किसका एक्चुअली एग्जांपल है, ये है आपका एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 दी हुई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है आपकी या पावर है इस इक्वेशन की वो कितनी है, हाइएस्ट पावर या हाइएस्ट जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो कितनी है, 2 है। तो ये आपकी इक्वेशन तो है, लेकिन आपकी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में हम
फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब बताया मैंने एक साथ। तो जब भी हम दो इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको इक्वेशन का मतलब बताया क्या होता है, जहां पर ऑपरेंड, ऑपरेटर और वेरिएबल तीनों मिल जाए, तीनों का जहां पर भी ग्रुप दिया रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। बिल्कुल सही। लीनियर इक्वेशन क्या हो मैंने बताया, जहां पर भी आपके वेरिएबल की डिग्री या पावर कह लीजिए आप वो वन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। अच्छा, ये वाली इक्वेशन जो मैंने एग्जांपल दिया था इक्वेशन में, वो आपके लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? वन है। लेकिन जो मैंने आपको ये दिया, ये आपका इक्वेशन तो है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड, ऑपरेटर और वेरिएबल तीनों प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो दो है, एक नहीं है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन ना होने के बजाय ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई वर्क नहीं करना है। और साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। तो जब भी हम दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे तो उसी को हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास इस चैप्टर में तीन तरीके मौजूद हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं, जरा उसके नाम जान लीजिए, उसके बारे में मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो आपका सबसे टिपिकल है, सबसे हार्ड है कह लीजिए, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार फिर से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं आपके पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों ही आसान की कैटेगरी में है। और जो थोड़ा आपका तिरछा है, जो थोड़ा आपका टिपिकल है, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमें एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन के कई पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इसके मैंने पहले दो पार्ट आप यहां पर लिख दिए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। कहता है जितने भी इसके पार्ट हैं उसको आप सॉल्व करिए, लेकिन कौन सा मेथड लगाकर? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर। तो हम यहाँ पर पहले मेथड के बारे में जानेंगे, जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले क्वेश्चन के जरिए से। अच्छा, आपने ये सब्स्टिट्यूट वर्ड जो है वो क्रिकेट में ज़रूर सुना होगा कि एक फील्डर क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। इंजर्ड मतलब उसको चोट लग गई, तो उसकी जगह पर दूसरा कोई आया फील्डिंग करने, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब किसी की जगह पर अगर दूसरा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब जरा इसको इस्तेमाल कैसे करना है इस बात को समझिए। आपको x प्लस वाई 14 दिया है, x माइनस वाई 4 दिया है, तो आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लें जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन लिया, पहली वाली x प्लस, इसको आप इस क्वेश्चन के लिए 1 मान लीजिए, इसको आप इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 2 मान लीजिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। ओके, क्या लिख दिया है देखिए, x प्लस वाई 14 दिया था, तो मैंने x को क्या लिख दिया? y को उठा के LHS से RHS में शिफ्ट कर दिया, तो y ने अपना साइन चेंज कर दिया, पहले प्लस में था, अब इसमें आ गया माइनस में आ गया। ओके, ये जो x की वैल्यू है जो हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता चली है, इसको हम उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। एक बार फिर से, ये जो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से पता चली है, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 दी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। ओके, x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए, अब तो ये वन वेरिएबल में आ गया,
और आई थिंक आप सबको वन वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व करना ज़रूर से ज़रूर आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस, इसका कोफिशियंट 1, इसका कोफिशियंट 1, दोनों जुड़ जाएंगे, 2y साइन लगेगा बड़ी गिनती का, इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा इसको आप थोड़ा इधर सॉल्व कर लीजिए, या पे या तो यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, 2y को आप अच्छा रह लीजिए, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। ओके अच्छा, माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4 माइनस 14 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 जाएगा बचेगा 10, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका आंसर 10/2। ये आपका कट के आंसर कितना आ गया, वाई की वैल्यू 5 आ गई। ओके अच्छा, अब इस वाई की वैल्यू को उठाकर या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। किसी में भी पुट करें, एक्स की वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी। कैसे, देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में उठाकर y की जगह 5 रख दिया, तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर, x प्लस y की जगह 5 रख दिया इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9। ओके एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू सेम आएगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए x की जगह तो x लिखा, माइनस y की जगह y की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये माइनस 5 LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, तो x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई, 9 आ गई। ओके तो ये हर केस में होगा, फिर सिर्फ इस इक्वेशन के लिए नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में भी वैल्यू पुट करनी है, जिस भी वेरिएबल को आपको पता चल गई है, आपको बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। ओके अच्छा, अब देखेंगे हम, हमें इसका सेकेंड पार्ट कैसे करना है। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया है तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 को इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके अच्छा, s माइनस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 प्लस t को हमने LHS से RHS में शिफ्ट कर दिया, LHS में इसका साइन माइनस था RHS में गया, सॉरी LHS में इसका साइन माइनस था RHS में गया, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये जो s की वैल्यू आई है इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में s की जगह पुट कर देंगे। ओके अच्छा, देखिए क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, या आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 है। जो आपने s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से पता की है उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे s की जगह। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, 6 आएगा। फिर वही चीज़ जो आप फ्रैक्शन वाले प्लस में करते थे, इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को उठा के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे, 3 आएगा, 3 को उठा के टी से मल्टीप्लाई कर दिया, 3t, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को उठा के t से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 3t इज इक्वल टू 6। अभी देखिए हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को t से किया तो 2t आ गया। अच्छा, ये हो गया आपका आंसर, आपका 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 6 को उठा के आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 36 में से जब 6 जाएगा, मतलब 6 माइनस होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 30 अपॉन 5, तो ये आ गया आपकी 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 6 आ गई। अब इस 6 को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए t की जगह पर, तो आपको s की वैल्यू भी पता चल जाएगी। देख लीजिए कैसे, s माइनस टी की जगह क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये जब माइनस 6 को हम जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, चेंज करके बनाएगा कितना, प्लस 6, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं।
तो स्टूडेंट देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 2x plus 3y is equal to 9, 3x plus 4y is equal to 5. तो इसको भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ही इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा, कैसे देखेंगे इस बात को। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गए इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर टू हो गए इसी क्वेश्चन के लिए। ये हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 9, 2x is equal to हो जाएगा 9 minus 3y, और x वैल्यू से कितनी आ गई 9 minus 3y upon 2, ओके okay? अच्छा इस x की वैल्यू को जो आपने इक्वेशन नंबर वन की हेल्प से फाइंड आउट किया है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर टू के पुट कर देंगे x की जगह पर। तो देखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पर हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, तो 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 9 27 माइनस 3 3 9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर अपॉन में कोई सा नंबर नहीं होता तो इसको हम अपॉन में 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको अपॉन में 1 कर दें, उसके बाद 2 और 1 कैल्सियम निकालें, उसके बाद जैसा भी इसके आगे होता है फ्रैक्शन के प्लस वाला उसको हम करें। और एक डायरेक्ट स्टेप ये है कि जब भी यहाँ पर अपॉन में कोई नंबर ना हो तो हम क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें, ओके तो इसका देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, 27 माइनस 9y 2 4 8, तो ये हो जाएगा 8y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ओके। अच्छा देखिए मैंने क्या किया है, इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं था, मतलब 4y के अपॉन में कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, इस 2 को उठा के इसे मल्टीप्लाई करा दिया। ये भी एक शॉर्टकट मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा इसके बाद देखेंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस 9y प्लस 8y, आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, लेकिन साइन लगेगा बड़ी गिनती का, और 1 हम अमूमन लिखते नहीं हैं, तो सिर्फ y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। इसको डाके इधर शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा 27 माइनस y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 27 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 17 आ गई, ओके। अच्छा इस वाई की वैल्यू जो 17 आई है उसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कहीं भी पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं। तो 2x की जगह 2x ही रहेगा प्लस 3 इंटू वाई की जगह 17 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 को 17 से करेंगे आएगा तो 51 इज इक्वल टू 9, 3 को 17 से करेंगे आएगा 51, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 51, इसका आपका आंसर कितना आएगा ज़रा देख लीजिए, 41 आता अगर 51 में से 10 घटाते तो, अभी 9 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 42 आएगा, सीधा सीधा बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके 21, x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 17, ठीक वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये इक्वेशन 1 इसी क्वेश्चन के लिए, इक्वेशन 2 इसी क्वेश्चन के लिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 5y अपॉन 3। अब ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है क्वेश्चन नंबर 1 से, उस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x की जगह पर। तो देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ मैं, 9 इंटू एक्स की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 ही मैंने लिखा है, बस x की जगह पर उठा के ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, ओके। अच्छा ये क्रॉस में कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं इसको, 3 1 जा 3 3 जा, अच्छा ये 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अच्छा अब कुछ बच्चों को ये बहुत स्टेप बाउंसर चला गया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जब कभी भी मान लीजिए यहाँ 9 इंटू 1 अपॉन 3 लिखा है तो इसको हम क्रॉस में काटते नहीं हैं, आपको इतनी सी बात तो पता होगी, इसको अपॉन 1 करके, तो 3 1 जा 3 3 जा,
वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी की है, ये 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 9 के नीचे 1 लिखा है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि 9 के नीचे 1 है। 3 1 जो 3 3 जो कट गया। अच्छा 3 × 4 + 5 = 5, ये कुछ ऐसा ही तो लिखा है, 3 × 4 + 5 = 5, तो इसको हम करते क्या है, जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 जो कितना हो जाएगा 12, और 3 5 जो 15, और साथ में y है तो y लिख देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट किया है, -2y का -2y था -7। ओके अच्छा 12 प्लस, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 15 में से तो जाएगा बचेगा 13, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती कौन है 15 है, तो प्लस 13y। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा है, मैंने ये बात कही है कि प्लस 15y और माइनस 2y, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। ओके 13y = 7 माइनस हो जाएगा आपका 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी 13y, ये आ जाएगा -5, तो y की वैल्यू आ गई आपके -5/13। ओके अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पे भी पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, देखेंगे कैसे। इस y की वैल्यू को आप उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें तो 3x की जगह तो 3x ही रहेगा, -5 × -5/13 = 4, तो 3x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25/13 = 4, सॉरी ये आपका आंसर जो हो जाएगा, हो जाएगा 3x = 4 − 24/13। ओके अच्छा 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने बताया था अगर अपॉन में कोई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, अगर अपॉन में कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से उस नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 13 को 4 से करेंगे तो आएगा 52 − 25/13। ओके ये हो जाएगा 3x, तो 3x = कितना आया, 52 में से आप 25 घटाएंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आई थिंक आपको 27 मिलेगा आंसर अपॉन 13। तो x के लिए आपसे कितनी आ गई, 27/13 × 3, ये 3 1 जा 3 9 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 9/13, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, देख लीजिए क्या मिस्टेक थी, 9 में से 9 − 51 लिखा है तो आएगा आंसर 42, बिल्कुल सही है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का, मैं यहाँ पे बड़ी गिनती का साइन नहीं लगाया था, भूल गया था, तो ये -42 हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -21। ओके तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x की वैल्यू -21। ओके तो चलिए इसको रफ करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, a + 3b = 5, 7a − 8b = 6, तो हमें यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है, देखेंगे कैसे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे इस इक्वेशन के लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे इसी इक्वेशन के लिए। अच्छा a + 3b = कितना दिया है, 5 दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 − 3b। ओके अच्छा ये जो a की वैल्यू आई है 5 − 3b, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे a की प्लेस पर। ओके अच्छा ये हो जाएगा 7a − 8b = 6, हो जाएगा 7 × 5 − 3b − 8b = 6, ये हो जाएगा 35 − 21b − 8b = 6। मैंने क्या किया ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, 7 5 = 35, 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस 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 हो गया। ओके अच्छा इसका थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 35 माइनस माइनस प्लस 21 में से 8 प्लस करेंगे तो आएगा आपका आंसर आई थिंक 29b = 6, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा −29b = 6 − 35, ये हो जाएगा −29b = −29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी की वैल्यू आ गई 29/29, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा b = 1। ओके
अच्छा, अब ये जो b की वैल्यू 1 आई है, इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में किसी भी प्लेस पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। किसी भी प्लेस पर कहने का मतलब ये है कि b के प्लेस पे ही करेंगे, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं b के प्लेस पर। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दिया b की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3, तो a की वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। ओके अच्छा ठीक, उसी तरीके से हम इस पर भी क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2 से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालें तो जल्दी निकल जाएगी, हम उसी को अप्लाई करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ों को नहीं बनाना है। इक्वेशन नंबर 1 से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 12y हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12y प्लस 20। अब ये जो 12y प्लस 20 वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 5 इंटू x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, 12y प्लस 20 प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 60y प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 100 प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 60y और प्लस 4y करेंगे तो हो जाएगा 64y, 100 माइनस 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 96 प्लस 96 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस 96 अपॉन 64, ये उधर जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, मैं एक स्टेप फॉरवर्ड कर जा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग इतना समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद करेंगे, ज़रा इस बात को समझिए, ये मेरे ख्याल से 8 से जो है कट रहा है डायरेक्ट, तो ये देखिए 8 सा ये 16 से भी जा रहा था, वैसे देख लीजिए 8 सा, और ये हो जाएगा 8 12 सा, उसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 2 सा 4 3 सा, आपका आंसर कितना आ गया, वाई की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2। ओके अच्छा, ये जो वाई की वैल्यू आई है माइनस 3 अपॉन 2, इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, तो आसानी यही होगी कि हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखेंगे कैसे आ गई आंसर, आप इसको ज़रा जो है यहाँ पे कर लीजिए, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, माइनस 3 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 6 जा 6, 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, और साइन लगेगा प्लस माइनस माइनस का, तो माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 20, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस माइनस 20 में से 18 जाएगा, बचेगा 2, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, तो x की वैल्यू आ गई 2 या प्लस 2। ओके एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रख करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लीजिए, 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन 4 को आप RHS मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस है RHS में जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जाएगा 12 प्लस, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फोर दीजिए 12 प्लस 3y अपॉन 4, 2x 2 को जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जब आप इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमीटर में तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 8। ये जो x की वैल्यू आई है
12 प्लस 3 वाई अपॉन 8, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर पुट कर देंगे। तो देखेंगे पुट करने में हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 12 प्लस 3 वाई अपॉन 8 माइनस 2 वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 को 12 से करेंगे आएगा 60, 5 को 3 से करेंगे आएगा 15 वाई, 8 माइनस 2 वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए, इसके अपॉन में भी 1 नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखा है, 1 तो होगा ही, कुछ नहीं लिखा है, और 7 के अपॉन में भी कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस माइनस 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके अच्छा, 60 प्लस 15 वाई, 8 टू 16 तो ये जाएगा माइनस 16 वाई, 8 से 56 हो जाएगा माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ज़रा देखिए, ये 8 जाके 0 से भिड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा 60 में से 56 जाएगा बचेगा 4, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 जाएगा बचेगा 1y, और साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती 16 है तो हो जाएगा माइनस 1y। 1 को अमूमन लिखते नहीं है तो हम 1 को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 को जब LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस 4, अपना साइन चेंज कर देगा, यहाँ पर प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इस वाई की वैल्यू को आप उठा के कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, यहीं पर पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, आई एम सॉरी, मैंने शुरुआत में माना नहीं था। अच्छा वाई की जगह पर आप उठा के 4 को पुट कर दीजिए, तो वाई एक्स माइनस 2 इंटू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जाएगा 5x माइनस 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 8 7 15 साइन लगा बड़ी गिनती का, 15 को डाक उधर भेज दीजिए तो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, अपना साइन चेंज कर देगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 5, 5 1 जाए 5 3 जाए, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 8y। अच्छा इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके अच्छा यहाँ से देखेंगे, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, ठीक है, अच्छा 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 3y, इधर शिफ्ट कर दिया, अपना साइन चेंज कर दिया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से x की वैल्यू निकाली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए x की जगह पर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 5 लिखा है, x की जगह पर उठा के ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 23 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 8y। ओके अच्छा इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 23 से करेंगे तो आएगा 115, 5 को 3 से करेंगे तो आएगा 15y अपॉन 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 8y। फिर वही चीज़, इस 20 के अपॉन में कोई नहीं है, 1 तो होगा लेकिन 1 के अलावा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उठाकर 2 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, 115 माइनस 15y माइनस 40, 2 को 20 से कराए तो आगे 40, माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8y। अच्छा इसको अब आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 115 में से 40 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, आप कैसे करेंगे सर, इस बात को भी समझिए, आप इसको मान लीजिए 100 ये कितना है, 120 है, मान लीजिए 120 में से 40 को करेंगे तो कितना है आपका आंसर आएगा, 120 में 40 को करेंगे तो आपका आंसर 80 आएगा, लेकिन 120 तो था नहीं, था कितना, 115, मतलब 5 आपने ज़्यादा माइनस कर दिया, तो आप 5 क्या करेंगे, 80 में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 85। नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 75, ठीक है, ठीक है। इस आप
2 को जो है 8y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 16y। देख लीजिए मैंने क्या गलती किया, ठीक है। आप इसको क्या करिए, 120 को क्या करिए, 115 को 120 मान लीजिए, 120 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा 40, 120 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। लेकिन हमने इसको ज़्यादा मान लिया है, 5 ज़्यादा मान लिया है, तो 5 क्या करेंगे, 80 में से कम कर देंगे, कितना आएगा 75। ओके, 2 को 8y से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 16y। आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के आप उस साइड शिफ्ट कर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये -15y जब आपका RHS में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 75 = 16y + 15y। ऐसे जो आपका आंसर आएगा वो 75 = आ जाएगा 31y। तो ये जो आपके y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 75/31। ये कितनी आ गई आपकी y की वैल्यू। आप चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, इसके बाद जो y की वैल्यू है जो आपकी 75/31 आई है वो हम इस इक्वेशन में से उठा के किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए देखेंगे हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा 5x - 20 = 8 × 75/31। ओके, अच्छा इसके बाद देखेंगे, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 × 7 = 56 और 4 = 60। ये हो जाएगा 600/31। ये -20 उधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +20 = 5x। 5x की वैल्यू क्या आ गई, 600 + ये हो जाएगा 620/30। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आएगा 1220/31। एक्स जब यहाँ से 5 रिमूव होगा तो 5 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है, 2 × 2 = 22, तो 5 × 4 = 20, फिर 2 और 0 तो हो जाएगा 4 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 244/31 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो पार्ट ना समझ में आया हो उसके बारे में भी कमेंट करें, हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।